हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम और इस वीडियो में बात करने वाले एम पी आयुष काउंसलिंग की। हम बात करने वाले हैं BAMS, BHMS, BUMS कोर्स के बारे में। जैसे कि आपकी 13 जनवरी को अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज होनी थी, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अलॉटमेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, तो आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे, तो अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2022। यहाँ पे आप देख पाएंगे ओपनिंग कॉमन रैंक, क्लोजिंग कॉमन रैंक, ओपनिंग नीट रैंक, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ओपनिंग नीट ऑल इंडिया स्कोर, क्लोजिंग नीट स्कोर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे अलॉट हुआ है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और जिन बच्चों को कोई कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है और उनके लिए एडमिशन नहीं लेना होता उस कॉलेज में, तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। जो कि अलॉटमेंट लेटर, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तभी आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें, अन्यथा आप अपग्रेड करें। अपग्रेड करेंगे तो आपको और बेहतर कॉलेज मिल सकता है। दोबारा जो चॉइस काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, वो चाहते कि हमें और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उनके मन में ये बात है, तो वो फिर से आप अपग्रेड कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकंड राउंड की। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ही देख लेते हैं, तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर। तो बात करें कितने नंबर पे यहाँ पे कॉलेज मिल गया है, तो यहाँ पे ओपनिंग नीट स्कोर देखें तो 299, यहाँ पे 299 आप मार्क्स देख पा रहे हैं। क्लोजिंग नीट ऑल इंडिया स्कोर 299, और नीट परसेंटाइल की बात करें तो 81.6। तो यहाँ पे आप परसेंटाइल भी देख सकते हैं, स्कोर भी देख सकते हैं, जिसका भी आप देखना चाहें। तो जिसने भी यहाँ पे एक चॉइस फिलिंग की थी, आप देख सकते हैं आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी बहुत ही कम नंबर पे अच्छे अच्छे कॉलेज अलॉट हुए हैं इस बार, और जिनको नहीं मिल पाया, कम मार्क्स थे, वो सेकंड थर्ड राउंड में उनको सभी को कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि जिनको ज़्यादा मार्क्स थे उनके लिए फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, अब जिनके कम होंगे उनके लिए भी अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही छटते जाते हैं बच्चे, जिनके लिए ज़्यादा हो नंबर होते हैं वो पहले उनके लिए अलॉट हो जाता है, तो अब आपके जो कॉलेज मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जिनके मार्क्स कम है वो चिंता ना करें, उनके लिए भी कॉलेज मिलेगा। अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो आपके लिए कॉलेज मिल जाएगा अंत तक। आप चॉइस फिलिंग करें, पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जानकारी, जिस भी कॉलेज का आप देखना चाहें, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी कोई भी आपके मन में कमेंट है अपग्रेड से लेकर और कैसे अपग्रेड करें, ये सभी जानकारी, तो हमें कमेंट करें, हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं।